प्रति मंगलवार को होने वाली पुलिस जनसुनवाई में इस बार भी कई शिकायतें पहुंची, जिसमें धोखाधड़ी से लेकर अलग अलग तरह के मामले सामने आए हैं। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में इस बार 70 से अधिक फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें धोखाधड़ी सहित अलग अलग तरह की शिकायतें शामिल हैं। वही जनसुनवाई में एक मिलिट्री के रिटायर्ड मेजर भी धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे। रिटायर्ड मेजर ने पुलिस जनसुनवाई में शिकायत की कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से एक फ्लैट खरीदा था और उसके रुपए भी दे दिए थे, लेकिन प्रॉपर्टी ब्रोकर ने रिटायर्ड मेजर का फ्लैट किसी दूसरे को बेच दिया। वही दूसरी शिकायत गांधीनगर के कुछ रहवासी लेकर पहुंचे। बताया जा रहा है कि गांधीनगर में रहने वाले एक दंपति ने विभिन्न तरह से रहवासियों को अपने जाल में फंसाया, फिर वहां के रहवासियों से प्लॉट के नाम पर तकरीबन 50 से अधिक रहवासियों से लाखों रुपए ले लिए और फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित लोगों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस जनसुनवाई में की है। वहीं तीसरा मामला एक कॉलेज से संबंधित छात्र लेकर पहुंचे। बता दें कि गांधीनगर थाना क्षेत्र में स्थित टैगोर कॉलेज के छात्र कॉलेज प्रशासन की शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन उन्हें विभिन्न तरह से प्रताड़ित कर रहा है। फिलहाल कॉलेज के छात्रों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस जनसुनवाई में की है। जनसुनवाई में आज 77 प्रकरण यहाँ इंदौर पुलिस को प्राप्त हुए, जिसमें तमाम तरह के आवेदन थे। इसमें कुछ पारिवारिक विवाद संबंधी आवेदन थे, कुछ ज़मीनों से धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, एक कॉलेज से संबंधित मसला आया है और अन्य कुछ बिजनेस में कुछ लेन देन के संबंध में मामले रिपोर्ट हुए हैं।